पल से करते बुलेटिन की शुरुआत, जो इस वक्त रांची से आ रही है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली बस स्टैंड स्थित एक होटल में एक युवक की हत्या कर दी गई है। शनिवार को होटल के कमरे में नासिर नाम के युवक का शव बरामद किया गया। युवक के गमछे से गला दबाकर हत्या की गई है, इस बात की आशंका है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुटी है। जानकारी के मुताबिक नासिर के दो दोस्त बस स्टैंड स्थित होटल में आकर ठहरे हुए थे, जिनसे मिलने के लिए मृतक गया हुआ था। बिहार के रहने वाले दो युवक जो नासिर के दोस्त बताए जा रहे, वही होटल में ठहरे हुए थे। उन्हीं से मिलने के लिए नासिर वहां पहुंचा हुआ था। पुलिस को आशंका है कि नासिर की हत्या उसी के दोस्तों ने की है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों घटना के बाद से फरार है, गायब है, और इसलिए पुलिस को पूरा अंदेशा है कि इस मामले में जो मृतक है उसके दोस्त ही आरोपी हैं। और इमरान, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इमरान, जानकारी क्या निकल कर आई? सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल पाया है या फिलहाल अभी पुलिस तलाश ही कर रही है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हासिल हुए हैं, जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि ऑटो में सवार होकर के तीनों व्यक्ति जो है मृतक और उनके साथ अन्य दो साथी उस होटल में पहुंचते हैं। और होटल में पहुंचने के बाद दोनों युवक जो है वो पहले अंदर चला जाता है, उसके बाद पीछे से मृतक होटल में पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ अंदेशा है कि जो आपस में तीनों की जानकारी थी, तीनों आपस में पहले से जान पहचान है। ऐसे में हत्या की वजह की तलाश के लिए रांची पुलिस जो है वो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के अलावे टेक्निकल टीम और दूसरे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। होटल प्रबंधक से पूछताछ की गई कि जब वो होटल पहुंचे तो किस आधार पर उन्होंने अपनी जानकारियां दी, क्योंकि जो आरोपी हैं वो बिहार के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा कि उनके तमाम जानकारियों को खंगाला जाए और इसके बाद इस पूरे मामले की कार्रवाई की जाए। पूरे मामले में जो मृतक के परिजनों ने और पुलिस ने जो अब तक जानकारी दी है उसे साफ तौर से समझा जा सकता है और जानकारी मिल रही है कि जो युवक है उसको मारने से पहले जो है उनके हाथ पर बांधे गए थे और गमछे के माध्यम से उनको गला दबाया गया और गला दबाने के बाद उसके दम घोट करके उसकी हत्या कर दी गई है। कहीं ना कहीं मृतक मरने के बाद जो दोनों आरोपी है वहां से फरार होने में सफल रहे और जिसके बाद जब वहां पे चूंकि होटल में कुछ अन्य भी काम कर रहे चल रहे थे मजदूरों का, उसके बाद वो कमरे में पहुंच करके साफ सफाई के लिए जैसे ही वहां के होटल स्टाफ पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति को उस कमरे में सोया हुआ पाया गया, कंबल ढका हुआ था उस पर। जब कंबल हटा करके उसको उठाने की कोशिश की गई तो व्यक्ति उठता नहीं है, जिसके बाद उसे अंदेशा होता है कि कहीं ना कहीं इसकी मृत्यु हो गई है या इसकी मौत हो गई है। तो पूरे मामले की जानकारी लोअर बाजार थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच के डीएसपी सहित वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जब तक पूरे मामले में देखे तो होटल प्रबंधन की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि आमतौर पर तो यही नियम है कि आप अपनी पहचान वहां साबित करते हैं, अपने कोई पहचान पत्र आप देते हैं, उसके बाद ही आपको ठहरने का मौका मिलता है किसी होटल में या किसी भी लॉज में। तो यहां पर तो चूक हुई है या फिर ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है? देखिए, अभी तक की जांच में पुलिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स होटल से प्राप्त हुए हैं, लेकिन तीन में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स वहां से बरामद किया गया है। लेकिन ये सारी चीजें वेरीफाई की जा रही है कि वो तत्काल दिया गया था या उसके बाद में एड ऑन किया गया है, क्योंकि घटना के बाद जिस तरह से अफरा तफरी मची उसके बाद लगातार रजिस्ट्रार के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। चूंकि जो आरोपी है घटना को अंजाम देने के बाद जब वो वापस चेकआउट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उस दौरान उसके नाम और पते का जो लेखा जोखा रजिस्टर पर लिखा हुआ था उसे मिटाने की कोशिश की गई और ना सिर्फ कोशिश की गई बल्कि उसे पेन से कई बार कट भी किया गया है, उसमें ओवरराइटिंग भी किया गया है। इन सारी चीजों की जानकारी पुलिस को मिली है, एक डॉक्यूमेंट्स और कुछ नंबर्स मिले हैं जिसके आधार पर पुलिस उस तक पहुंचने आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में भी दो लोगों की संदिग्ध अवस्था में काउंटर के पास खड़े होना, ऑटो से मृतक के साथ दो लोगों के वापस होटल में पहुंचना, ये सारी चीज सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर से देखा जा रहा है। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पुलिस जो है आरोपी का विवाद पहले कर रहा होगा। अगर पहले का होता तो शायद जो मृतक है वो मिलने नहीं पहुंचता। क्या तत्काल कुछ किसी बात को विवाद हुआ होगा लेकर या पहले से कोई रंजिश रही होगी? क्योंकि रंजिश होती तो शायद जाता नहीं वो।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पूरी घटनाक्रम को अगर हम जोड़े तो मृतक जो है वो ऑटो चलाता है, ऑटो चला करके अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ करता है, लेकिन मृतक की पहचान जिस तरह से दोनों के साथ दिखाई दे रही है और उसके बाद मृतक होटल में पहुंच रहा है, तो इससे साफ तौर से संकेत जाहिर होते हैं कि जो आरोपी है वो मृतक के काफी पहचान के हैं, जान पहचान के हैं, दोस्त में से हैं, तो ऐसे में ये जानकारी पुलिस को भी मिल रही है। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में चूंकि अब तक इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई है, ना ही इनसे पूछताछ की गई आरोपियों से, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या इनकी कितनी पुरानी दोस्ती थी या कितनी पुरानी जान पहचान थी। क्योंकि ऑटो से दोनों कोई तीनों आपस में दिख रहे हैं होटल के आसपास आते हुए, होटल से जो कैमरे तक जाते हुए, लेकिन ये सारी चीजें, ये जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर ये लोगों की मुलाकात और पहचान जो है वो कितनी पुरानी है। हालांकि एड्रेस में बिहार का एड्रेस दिखाया जा रहा है, उन संबंधित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी करने की बात कह रही है, लेकिन जब तक इन पे गिरफ्तारियां नहीं हो पाती तब तक ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि इनकी मित्रता जो है, दोस्ती जो है वो कितनी पुरानी रही है और कब से ये लोग जान पहचानते हैं, या फिर कोई आपसी रंजिश, या फिर ऑटो में ही किसी विवाद को लेकर के ये पूरी घटना को तो नहीं अंजाम दिया गया, या फिर पुराने कोई लेन देन की वजह से ये पूरी घटना को तो नहीं अंजाम दिया गया। सभी पहलुओं पर फिलहाल रांची के लोअर बाजार थाने की पुलिस और रांची पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि हत्या के पीछे की जो वजह है वो प्रमुख रूप से कौन सी रही है, और जो आरोपी है वो उसका मृतक के साथ किस तरह का संबंध रहा है और किन वजहों से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। आप तो निश्चित तौर पर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि पुलिस के पास जो दस्तावेज फिलहाल हाथ लगे हैं क्या वो सही है, सही होंगे तो शायद पुलिस पहुंच जाएगी उन आरोपियों तक, और अगर नहीं हुए तो फिर पुलिस को इन्हें ढूंढ पाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, और ऐसे में इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। काटा टोली के पास एक होटल है, उसमें एक शव बरामद हुआ था, उसमें प्रथम दृष्टया जो अभी तक हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें जो यह बात निकल के आई है कि संभवतः जो है हत्या का मामला जो है यह सामने आ रहा है। कुछ लोगों की संलिप्तता की बात इसमें है, हम लोग के पास कुछ साक्ष्य भी इसमें उपलब्ध हुए हैं, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम लोग अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी हम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी पोस्टमार्टम और अन्य अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एक बार पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग पूरे मृत्यु के कारणों का जो है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।